चलो अब 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। मोस्ट आईएमपी सवाल है, ध्यान देना। इस मेथड का सवाल जब ए बराबर 2 क्रॉस 2 का होता था तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग पढ़ चुके थे। अब 15 सवाल है जिसमें ए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। प्रश्न है यदि ए बराबर 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 हो तो सिद्ध करो a³ - 6a² + 5a + 11i = o और इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करो। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस मेथड का सवाल कई बार बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन तरीके से ध्यान से सॉल्व करना। यहाँ जो a का मान था वो लिख दिया, ठीक है। अब देखना जो समीकरण हमको सिद्ध करना है उसमें ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मान निकालेंगे ए गुणे ए, मतलब ये चीज दो बार लिख दिया गुणा करके। देखना ये ए का मान, फिर ए का मान दोबारा। अब यहां पर देखना गुणा करेंगे तो पंक्ति का स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में एक का गुणा एक में एक, फिर एक का गुणा एक में एक, फिर उसके बाद एक का गुणा दो में दो, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में एक का गुणा एक में एक, दो का गुणा एक में दो, -3 का गुणा दो में -6, फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में दो का गुणा एक में दो एकम दो, फिर -1 का गुणा एक में तो आपका -1, फिर 3 का गुणा 2 में 3 × 2 = 6। फिर इस तरह से आप पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में एक का गुणा एक में एक, फिर एक का गुणा दो में दो, फिर एक का गुणा -1 में -1, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में एक का गुणा एक में एक, दो का गुणा दो में 4, फिर -3 का गुणा -1 में +3, फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में दो का गुणा एक में दो, फिर -1 का गुणा 2 में -2, फिर 3 का गुणा -1 में -3। अब इस तरह से तीसरे स्तंभ में करना है, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में एक का गुणा एक में एक, एक का गुणा -3 में -3, फिर एक का गुणा +3 में +3, फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में एक का गुणा एक में एक, फिर दो का गुणा -3 में -6, -3 का गुणा 3 में -9, फिर तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में तो 2 का गुणा 1 में 2, -1 का गुणा -3 में -3, 3 का गुणा 3 में 3 = 9। फिर उसके बाद देखना ये इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आपका क्या आ गया, 4 - 3 = 7, 2 - 8 - 3 = 1 - 14 = 14, ये ए स्क्वायर का मान आ गया। अब ए क्यूब का मान निकालेंगे तो ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर का मान देखो ये आया है इंटू ए का मान, ये वाला कीमत यहाँ उठा के रख दिया। अब यहाँ पंक्ति का स्तंभ में गुणा करेंगे तो यहाँ 4 का गुणा 1 में 4, 2 का गुणा 1 में 2, फिर 1 का गुणा 2 में 2, फिर -3 का गुणा 1 में -3, फिर 8 का गुणा 1 में 8, फिर -14 का गुणा 2 में -28, फिर 7 का गुणा 1 में 7, फिर -3 का गुणा 1 में -3, फिर 14 का गुणा 2 में 28, फिर उसके बाद आपका 4 का गुणा 1 में 4, फिर 2 का गुणा 2 में 4, फिर 1 का गुणा -1 में -1, फिर उसके बाद -3 का गुणा 1 में -3, 8 का गुणा 2 में 8 × 2 = 16, फिर उसके बाद -14 का गुणा -1 में -14, फिर 7 का गुणा 1 में आपका 7, फिर उसके बाद -3 का गुणा 2 में -6, फिर 14 का गुणा -1 में -14, फिर यहाँ पर देखना 4 का गुणा 1 में 4, फिर 2 का गुणा -3 में -6, 1 का गुणा 3 में 3, फिर -3 का गुणा 1 में -3, 8 का गुणा -3 में -24 आठ दिया, फिर -14 का गुणा 3 में -42, फिर 7 का गुणा 1 में तो आपका 7, फिर -3 का गुणा -3 में +9, फिर 14 का गुणा 3 में 14 = 42। अब इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे 8 - 23 = 32, 7 - 27 - 13, 1 - 69 और 58, ये ए क्यूब का मान आ गया। अब जितना बराबर सिद्ध करके ओ लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड देखो लिख दिया a³ - 6a² + 5a + 11i। अब यहां पर देखना पहले ए क्यूब है, ए क्यूब का मान देखो ये वाला आपका निकला है, ये वाला मान उठा के रख दिया, फिर -6 है। अब ए स्क्वायर का मान ये वाला उठा के देखो रख दिया, फिर उसके बाद +5 है, फिर ए का मान जो सवाल में दिया गया था वो कीमत उठा के रख दिया, फिर उसके बाद +11 है, 11 आई का मतलब 3 क्रॉस 3 का इकाई अव्यव, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विकर्ण में 1 1 होना चाहिए। अब यहां पर देखना सॉल्व करेंगे, पहले जैसे था वैसे वैसे लिख लिया, ये आगे माइनस था आगे माइनस लिख लिया, अब 6 का गुणा अंदर हर एक घटक में करेंगे तो ये टॉपिक आपका आ गया, फिर उसके बाद प्लस का था प्लस लिख दिया, 5 का गुणा हर एक घटक में करेंगे तो ये टॉपिक आपका आ गया, प्लस था प्लस लिख दिया, 11 का गुणा हर एक घटक में करेंगे तो ये टॉपिक आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना अब यहाँ पहला घटक किस हिसाब से सॉल्व करना है, यहाँ पर देखना 8, अब आगे माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल के लिखना होगा, 8 - 24 + 5 + 11, फिर उसके बाद -23 - +18, फिर उसके बाद आपका +5 और ये आपका +0 देख रहे, फिर उसके बाद ये आपका +32, फिर उसके बाद -42, फिर +10,
और उसके बाद आपका प्लस का जीरो। इसी तरह से आपका ये घटक हो गया। अब यहाँ सात से शुरू करेंगे, यहाँ सात, फिर उसके बाद माइनस का बारह हो जाएगा, फिर उसके बाद देखना यहाँ प्लस का पांच आपका आएगा, और उसके बाद आपका क्या आएगा देखना यहाँ से प्लस का पांच, उसके बाद ये वाला घटक आपका जीरो, फिर उसी तरह से आपका देखना ये 27 माइनस का 48, देखना 27 माइनस का 48, फिर उसके बाद प्लस का 10 और प्लस का 11, फिर माइनस का 13, फिर उसके बाद आपका माइनस का 13, फिर माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा माइनस का 5 और उसके बाद 0, फिर उसके बाद इस तरह से 1, फिर उसके बाद देखना माइनस का 6, फिर उसके बाद आपका 1 माइनस का 6, फिर ये प्लस का 5 प्लस का 0, फिर इस तरह से माइनस का 69 और माइनस माइनस प्लस का 84, फिर माइनस का 15 और प्लस का 0, फिर लास्ट में प्लस का 58, उसके बाद माइनस का 84 और फिर उसके बाद प्लस का 15 और प्लस का 11। अब इस सबको सॉल्व करेंगे, ये 0 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 0, तो वही आपका a क्यूब माइनस 6 a स्क्वायर प्लस 5 a प्लस 11 i बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 मतलब ये शून्य आव्यूह है, तो इसी शून्य आव्यूह को o लिखा गया है, जिसका मतलब a क्यूब माइनस 6 a स्क्वायर प्लस 5 a प्लस 11 i बराबर o, तो ये टॉपिक आपका सिद्ध हो गया। अब इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करना है, तो दोनों पक्षों में a इनवर्स का गुणा करने पर, तो a इनवर्स इनटू ये पूरा ब्रैकेट बराबर o इनटू a इनवर्स, यहां पर अंदर गुणा करेंगे तो a इनवर्स इनटू a क्यूब माइनस 6 a स्क्वायर इनटू a इनवर्स प्लस 5 a इनटू a इनवर्स प्लस 11 i इनटू a इनवर्स, और जब o में a इनवर्स का गुणा करेंगे तो o ही आएगा, इसलिए o का o ही लिख दिया, मतलब 0 का 0 ही लिख दिया। अब यहां पर देखना इसको सॉल्व करेंगे तो यहां a की घात माइनस 1 और यहां a क्यूब यहां a स्क्वायर आपका आ जाएगा, फिर माइनस 6 माइनस 6 लिया a स्क्वायर इनटू a की घात माइनस 1 तो यहां a आ जाएगा। अब यहां पर a टू ए इनवर्स बराबर आई होता है तो प्लस का पांच आई आ गया। अब यहां पर आई का गुणा मतलब इकाई आप भी हुए, एक का गुणा करने प्रमाण में कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 ए इनवर्स करके लिख दिया, आई को गायब कर दिया, बराबर ओ का ओ लिख दिया। अब हमको ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है, 11 ए इनवर्स बराबर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6 ए हो जाएगा, माइनस का 5 आई हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का ए स्क्वायर उधर जाएगा माइनस, और ये माइनस का 6 ए उधर जाएगा प्लस, और ये प्लस का 5 आई उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसका मान निकालना है, 11 ए इनवर्स बराबर आगे माइनस का चिन्ह लिख दिया, फिर ए स्क्वायर का मान देखो यहां पर निकला है, ये उठा के रख दिया, फिर प्लस 6 इंटू ए का मान ये उठा के यहां रख दिया, फिर माइनस 5 आई का मान उठा के देखो रख दिया। अब यहां पर अगले स्टेप में क्या किया, यहां माइनस का अंदर गुणा कर दिया, मतलब इसका सब चिन्ह बदल दिया, देख रहे हैं जैसे था वैसे चिन्ह बदल दिया, यहां प्लस का प्लस आगे लिखा, यहां 6 का सब में गुणा कर दिया, फिर उसके बाद ये आगे माइनस था माइनस लिखा, अंदर 5 का सब में गुणा कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले घटक के साथ पहला घटक, पहला घटक दूसरे घटक के साथ दूसरा घटक, दूसरा घटक तीसरे घटक के साथ तीसरा घटक, तीसरा घटक फिर चौथे घटक के साथ चौथा घटक, चौथा घटक, इस तरह से को सब क्रम से लिखना है। जब इसको क्रम से लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या आएगा, 11 a इनवर्स बराबर माइनस का 3 प्लस का 9 प्लस का 5 और 4 माइनस का 1 माइनस का 3 और यहां 5 माइनस का 4 माइनस का 1, 11 a इनवर्स बराबर इतना आ गया, तो a इनवर्स बराबर आपका क्या आ जाएगा 1/11, 11 इधर बटन चला जाएगा, और फिर ये माइनस का 3 9 5 4 माइनस 1 माइनस 3 और 5 माइनस 4 और माइनस का 1, तो ए इनवर्स का ये मान आ गया। तो इस तरह से पहले आपको सिद्ध करना है, फिर दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करके फिर ए इनवर्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां से लेकर पूरा यहां तक का सवाल मोस्ट आईएमपी है, 4 नंबर में कई बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है। अब इसी मेथड के देखना, 3 सवाल दिया हूं, तो ये जो 15वां था 4.5 का, ये 16वां सवाल, अगर ये 4.5 का 16वां सवाल कर लेंगे तो पीछे का 17वां 18वां एमसीक्यू का है लोग पहले कर चुके हैं, तो 4.5 आज पूरा हो जाएगा। तो ये सवाल देखना a3 क्रॉस 3 का है और a क्यूब माइनस 6 a स्क्वायर प्लस 9 a माइनस का 4 i बराबर o सिद्ध करना है और इस पर से a इनवर्स ज्ञात करो। तो ये जिस मेथड से सवाल को सॉल्व किए हैं सेम उसी मेथड से ही 16वें सवाल को सॉल्व करेंगे। अब इसके जैसा एक दो एक्स्ट्रा सवाल मैं दिया हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, यदि a बराबर इतना हो तो सिद्ध करना है a क्यूब माइनस 23 a माइनस 40 i बराबर o और इस पर से a इनवर्स ज्ञात करो, इसी मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। और एक सवाल इतना है, यदि a बराबर इतना हो तो सिद्ध करो a क्यूब माइनस 6 a स्क्वायर प्लस 7 a प्लस 2 i बराबर o और इस पर से a इनवर्स ज्ञात करो। तो समझ लो कि इस मेथड के इस पूरी किताब में कुल 4 सवाल हैं, एक ये आपका 5वां सवाल और ये 15वां सवाल, ये 16वां सवाल और दो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हूं। तीन ही 4 में से कोई ना कोई एक सवाल बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जा सकता है, मोस्ट आईएमपी सवाल है और 4.5 पूरा है। ओके,